हाय गाइज, मैं हूँ निखिल और आप देख रहे हैं बस्टर टैग। गाइज, अगर कोई आपसे कहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक कैलेंडर बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे? यहाँ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जस्ट चुटकियों में विद इन 2 मिनट आप कैसे कोई कैलेंडर अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से आप बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं करने के लिए जो हमें अक्सर नहीं पता होती। अगर हम अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते हैं तो हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो हमें नहीं पता है। ये कैलेंडर क्रिएट करना आपके लिए काम आ सकता है। सपोज़ आपको अपनी कंपनी का रोस्टर तैयार करना है, या फिर आपको कुछ मैनेज करना है, या फिर आपको अपने टारगेट फॉलोज करने हैं। काफ़ी चीज़ों में ये कैलेंडर क्रिएट करना आपको हेल्प कर सकता है। कैसे क्रिएट करेंगे? जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। रन कमांड में आप विन वर्ड टाइप करके जस्ट एंटर करके शॉर्ट कट में आप इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में यूज़ ले रहा हूँ। आप कोई सा भी वर्जन ले रहे हो प्रोसेस यही रहेगा। 7 में भी जस्ट आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। 7 में आपको इस तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है? आपके पास वहाँ पर न्यू का ऑप्शन आएगा, तो आप फाइल में जाके या फिर ऑफिस बटन जो होता है उस पर जाके न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2013 में, 10 में, 17 में इस तरीके की आपके पास विंडो आ जाती है, ठीक है? तो जस्ट यहाँ पर आपके पास ऊपर आता है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, ठीक है? जस्ट यहाँ पर आप कैलेंडर लिखेंगे और इसको सर्च कर देंगे, ठीक है? तो इससे आपकी जितनी भी टेम्पलेट्स होंगी ऑनलाइन रख सकते हैं तो ऑनलाइन रख सकते हैं अपने इसको। अगर आपके ऑफिस में सेव्ड रहती हैं टेम्पलेट तो वहाँ से आ जाएंगी, नहीं तो ऑनलाइन भी ये सर्च कर लेता है। तो देखिए, यहाँ पर एक कैलेंडर टेम्पलेट्स आ रही हैं। आपको किस तरह की टेम्पलेट यहाँ पर चाहिए? अगर आपको 1 पेज पे 1 मंथ चाहिए तो इस तरह की टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको A4 साइज़ में चाहिए तो इस तरह की टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। सारे मंथ एक ही पेज में चाहिए तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स कि आप कौन से टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं। सपोज़ मैं ये वाली टेम्पलेट यूज़ करता हूँ बैनर कैलेंडर की। इस पर क्लिक करूँगा और जस्ट यहाँ पर आ गया मेरे पास बैनर कैलेंडर और क्रिएट करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास आ गया सेलेक्ट अ मंथ एंड ईयर टू क्रिएट अ कैलेंडर। आप जिस भी मंथ और ईयर का कैलेंडर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आप यहाँ पर ईयर डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली, और जो यहाँ पर आप मंथ डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली। सपोज आप कैलेंडर क्रिएट करना चाह रहे हैं नवम्बर का 2019, ओके? तो ओके बटन पे हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया है, ओके बटन दबा दिया है, तो ये टेम्पलेट हमारी अब ओपन हो जाएगी। किस तरीके से, आप देखिए, टू शो डिफरेंट डेट्स गो टू कैलेंडर टैब एंड चूज सेलेक्ट न्यू डेट्स और प्रेस शिफ्ट ऑल्ट एंड एंटर, ठीक है? वापस से अगर आपको अलग कोई मंथ चाहिए तो आप शिफ्ट ऑल्ट एंड एंटर दबाकर आप ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये पेज आपका कैलेंडर ओपन हो गया है, ओके? यहाँ पर आपके पास देखिए, यहाँ पर डेट्स एंड आपके पास जो डे है वो यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको किसी डेट पर नोट डालना है, सपोज आपका कोई एग्ज़ाम है, तो जस्ट आप उसको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है? सपोज यहाँ पर किसी की मैरिज है, ठीक है, वो हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज आप अपनी शॉप या ऑफिस के लिए कोई डे क्रिएट कर रहे हैं, सपोज जिस पर आपको ऑफ रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर सेल है, आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो ये आपका एक कैलेंडर हो जाता है। अगर आपको चाहिए कि इसकी थीम आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलग अलग थीम्स यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट में आपको मिल जाएगी। इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा मंथ चाहिए तो जस्ट आप सेलेक्ट न्यू डेट करेंगे और दूसरा मंथ यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अगर आपको ये मंथ फाइनल है तो जस्ट आप इसको सेव कर सकते हैं। आपकी वर्ड की फाइल या फिर JPG या फिर जिस भी फाइल में आपको सेव करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पर इस तरीके से आप कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कैलेंडर कैसे क्रिएट करें। आप टेबल का यूज़ लेंगे, काफ़ी कुछ यूज़ लेंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्टली विद इन 2 मिनट आप कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं और अपने पर्सनल नोट्स वगैरह यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहें फुली कस्टमाइज आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। कोई दूसरा मंथ चाहिए, सपोज आपको जनवरी यहाँ पर जनवरी 2020 चाहिए तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर जनवरी 2013 का मंथ यहाँ पर आ गया है अपडेट होकर। तो इस तरीके से आप सेव करते चलिए
और आप प्रिंट आउट निकाल कर इसका अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये फीचर आपको अच्छा लगा होगा। आपने इसको पहले कभी यूज़ किया है या नहीं ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं ये भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।